दिन में अंधेरा होते देखा है कभी? मैंने देखा है। मेरी बेटी जब 5 साल की थी ना, तब की बात बताती हूँ। मैं उसे स्कूल के लिए जब उठाने जाती, ये कहकर कि चलो बेटा उठो, अब सुबह हो गई है, तो वो मुझे भी अपने साथ ही सुला देती। कंबल हम दोनों के सर तक ओढ़ कर कहती, कहाँ है सुबह, अभी तो रात है, रात, चलो सो जाते हैं। फिर हम दोनों की आंख लग जाती। फिर उसके पापा आकर हम दोनों को डांट लगाकर उठाते थे। पापा की बात सुनकर फट से उठकर तैयार हो जाती थी वो हमेशा, पापा की लाडली। हंसी को दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए देखा है कभी? मैंने देखा है। साइकिल ले आए थे उसके लिए, वो 4 पहियों वाली। तब कुछ 8 साल की थी वो। जिद करने लगी, पहिए निकाल दो, फ्रेंड्स टीज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, गिर गई तो। पर पापा से जिद करके निकलवा लिया उसने पहिए। और फिर क्या, नीचे जाते ही 10 सेकंड में गिर गई। घुटने से लेकर पैर के नीचे तक पूरा पैर खून में लथपथ, लेकिन चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी। क्यों? ताकि मैं ना डांटूं। मैंने कहा बस हो गया, चलो अब सब घर। लेकिन उसके पापा ने उसे साइकिल पे बिठा कर अगले 10 सेकंड में उसे साइकिल चलानी सिखा दी। अपने दिल के टुकड़े को खुशी खुशी अलविदा करते हुए देखा है किसी को? मैंने देखा है। एक दिन ना अपने फ्रेंड के घर पे बिल्ली देखाई, फिर जिद करने लगी मुझे पर्शियन कैट चाहिए, और पापा ले आए उसके लिए। कैटी पेरी नाम रखा था उसका, क्योंकि शेर जैसे दिखती है। फिर उस बिल्ली के बच्चे हुए। मैंने कहा इनको तो नहीं रख सकते अब घर। मेरी बेटी ने समझकर एडॉप्शन सेंटर पे अपने हाथों से एक एक बिल्ली को अलविदा किया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। लेकिन उसके पापा ने जाते जाते उसी सेंटर से एक और बिल्ली दिला दी इसे। कहा मैंने, बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है आपने इसको। अकेलापन शेर की तरह खाने दौड़ा है कभी? जब 13 साल की थी ना, स्कूल की कैंप गई थी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बहुत खुश थी, उसे शेर देखने का शौक था। लेकिन वहां पहुंचते ही तबीयत खराब हो गई। कॉल करके कहने लगी, मामा मेरे सारे दोस्त शेर देखने गए हैं और मुझे यहाँ अकेलापन शेर की तरह खाने दौड़ रहा है। मैंने समझाया उसे, हलवा बांध के दिया था डब्बा भर के, रास्ते में ही पूरा खत्म कर दिया, पेट तो खराब होना ही था। मैं उसे हिम्मत और हौसले की नसीहतें दे रही थी और वो वहां से मुझे मामा यू डोंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल के ताने दे रही थी। और उसके पापा, उसके पापा रातों रात निकल गए उसे लेने के लिए। शेर भी दिखा लाए उसे। उसके पापा और मेरे बीच कई सालों से अनबन थी, पर हमने तय किया था कि उसके बड़े होने के बाद ही अलग होंगे। कुछ दिन पहले कोर्ट में कस्टडी की सुनवाई थी। अब 16 साल की हो गई है ना, तो जज ने उससे पूछा किसके साथ रहना चूज करोगी, और उसने कह दिया पापा। अब पापा के साथ रहती है। हाँ बेटा, कहाँ पहुंची? अरे तेरा सारा सामान पैक कर दिया है मैंने, तेरी साइकिल, ब्लैंकेट वैंकेट सब कुछ, और मदर्स डे का हलवा भी बनाया है मैंने। हाँ कहाँ तक? अरे ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई पहले ज़रूरी है पूरी करना। ना ना, मदर्स डे हम बाद में मना लेंगे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ अच्छा, वो अपने दिल के टुकड़े को खुशी खुशी अलविदा किया है कभी? हंसी को दर्द छुपाने की कोशिश करते देखा है कभी? अकेलापन शेर की तरह खाने दौड़ा है कभी? दिन में अंधेरा होते हुए महसूस किया है कभी? मैंने किया है। मम्मा,